कौन है सीजीआई का दूसरा प्यार? चार बजते ही करने लगते हैं यार, जानिए क्या है पूरी हकीकत। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ आजकल सोशल मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। इसका कारण कभी उनके फैसले और कभी कानून व्यवस्था को लेकर दिए गए बयान शामिल है। खास बात यह है कि लोग सीजीआई को पकड़ना बेहद पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर ये ताजुब होगा कि डीवाई चंद्रचूड़ अपनी बीवी के अलावा भी और किसी को बेहद प्यार करते हैं। दरअसल शाम के 4 बजते ही मुख्य न्यायाधीश को चाय की ऐसी तलब लगती है कि वो चलते काम को रोककर अपने चाय पीने बैठ जाते हैं। इस बात का खुलासा द वीक में छपी एक रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में लिखा है कि शाम घड़ी के 4 बजे जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने इश्क के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें कोर्ट का समय खत्म होते ही चाय की तीव्र लालसा महसूस होती है। उन्होंने याद करते हुए बताया कि जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में एक वकील थे तो अपनी चाय स्टाफ कैंटीन में पीते थे, जो एक अदालत कक्ष के ठीक बगल में थी। जब वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जज बन गए तो उन्हें उसी अदालत में उसी कमरे में बैठना होता था जिसके ठीक बगल में कैंटीन थी। उन्हें काम के बीच में ही कैंटीन से चाय बनने की गंध आती थी। हालांकि जज बनने के बाद वो कैंटीन में जाकर चाय नहीं पीते थे। इसी तरह का एक किस्सा और है। बात अगस्त 2021 की है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और पराग पी त्रिपाठी एक कंपनी द्वारा टोल संग्रह के मामले में एक दूसरे से भिड़े हुए थे, लेकिन वहीं जस्टिस चंद्रचूड़ अपनी चाय के लिए उठना चाह रहे थे क्योंकि घड़ी में शाम के 4 बज चुके थे। उन्होंने वकीलों को बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आप सभी एक कप चाय के बिना शाम 4 बजे तक कैसे रह सकते हैं। कम से कम मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी चाय पीनी है, यही मुझे पूरे दिन चलाती है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के कैंटीन वाला किस्सा अभिषेक मनु सिंघवी और पराग पी त्रिपाठी से साझा किया। उन्होंने कहा, बॉम्बे उच्च न्यायालय की पहली मंजिल पर एक कोने में एक कोर्ट रूम है जिसके बगल में स्टाफ कैंटीन है। बतौर वकील मैं उस कैंटीन में जाकर चाय पीता था, लेकिन दिक्कत तब हुई जब मैं वहां जज बन गया और इस कैंटीन से सटे कोर्ट रूम में बैठने लगा। रोज सुबह 11 बजे चाय बनने लगती थी और मुझे अपनी कचहरी में ताजी चाय की महक आती थी, लेकिन मैं एक जज था और लंच ब्रेक से पहले उठ नहीं पाता था। इसके अलावा एक न्यायाधीश के रूप में मैं अब कैंटीन में प्रवेश नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने चाय के इश्क के बारे में आगे बताते हुए कहा, मुझे शाम 4 बजते ही चाय की तलब होने लगती है। यही सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पूरा होने का समय भी होता है। इसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने साथ बेंच साझा कर रहे जस्टिस एमआर से पूछा, भाई शाम को चाय की तलब नहीं होती? इस पर शाह ने चुटकी लेते हुए कहा, मैं गुजरात से आता हूँ जहाँ आपको केवल चाय ही मिलती है और कुछ नहीं। साल 2018 की बात है। सुप्रीम कोर्ट में हाई वोल्टेज जज लोया मामले की सुनवाई चल रही थी। तभी जजों में अचानक ही सुनवाई के बीच में 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। इस बेंच में डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। उन्होंने ब्रेक लेते वकीलों से कहा कि आप भाग्यशाली हैं, आप एक कॉफी ब्रेक पर जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।